तो हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे अच्छे से होंगे इस कोरोना पैंडेमिक में, क्योंकि इस कोरोना पैंडेमिक में सबको घर में ही रहना है। और जैसे कि आपको याद है कि याद होगा कि मैं हैदराबाद में वेंकटेश्वर मंदिर में आया था, और काफ़ी टाइम से मैं मानूँ मैं मुझे वीडियो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के शेड्यूल में बिज़ी था, इसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था मेरा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको अंदर का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ वेंकटेश्वर मंदिर का। तो आज मैं ये जो वेंकटेश्वर मंदिर है इसके ऊपर जो जो हिस्ट्री है, जिसके बारे में जो हिस्ट्री है ये मंदिर के बारे में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटर हो गया तिरुपति जी के मंदिर में, और मंदिर में एंटर होके हम लोग प्रसाद भी ले लिए। प्रसाद भी हम लोग जो लिए उसको खा लिए, प्रसाद हो गया हम लोग का, और अभी हम लोग निकलने की तैयारी में। तो ये देखिए तिरुपति जी का पीछे मंदिर है, जय तिरुपति भगवान जी। पूरा दर्शन हो गया, ये देखिए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। प्रसाद देखिए, छोटे से काउंटर पे प्रसाद दे रहे हैं। देखिए इधर प्रसाद दे रहे हैं छोटे से काउंटर पे। तो चलिए अभी निकलने का टाइम हो गया, और बहुत सुंदर मंदिर था, बहुत ही ज़्यादा, और प्रसाद तो पूछिए मत, बहुत अच्छा था प्रसाद। तो अभी निकलने का टाइम हो गया, हम लोग निकल रहे फिर दूसरे जगह भी विजिट करना है। आप सोच रहे हो यहाँ खड़े हो के मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रसाद ले रहा हूँ। ये देखिए, अभी मैं थोड़ी देर बाद प्रसाद लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जो मेरे हाथ में लड्डू है, ये प्रसादम है जो मैंने छोटे से काउंटर पे से अभी ले लिया हूँ, और अभी निकलने की तैयारी करते। तो चलिए अभी आगे बढ़ते और हिस्ट्री जानते। तो फ्रेंड्स, वेंकटेश्वर जी को विष्णु जी के रूप माना जाता है, और वेंकटेश्वर जी यहाँ धरती पर इसलिए प्रकट हुए थे ताकि जो ये कलयुग में जो भी पाप हो रहा था पक्षी प्राणी आदमियों के ऊपर, उनसे बचाव करने के लिए, हमें बचाने के लिए वेंकटेश्वर जी यह धरती पर प्रकट हुए थे। और आप देख सकते हो ये मंदिर को एक कलयुग का वैकुंठ भी बोला जाता है। तो आप सभी ने देखा ही, नीचे मैं आपको दिखाया था भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी, शेषनाग, जिनके ऊपर कृष्ण जी विराजमान थे, इन सारी मूर्तियों को मैंने अपने वीडियो में आपके सामने रखा और दिखाया। तो आपको कैसा लगा ये मंदिर ज़रूर बताना, और आगे मैं आपको बहुत सारे मंदिर के व्यू दिखाने वाला हूँ, बहुत खूबसूरत है। तो ये देखिए, एक व्यू ये है, यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, और कितने सारे, आप ध्यान से देखेंगे तो कितने सारे स्टैचूस है। ये देखिए, ये सब भगवान के स्टैचूस है, और यहाँ पे तिलक भी बना हुआ है, और ये देखिए सनसेट का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे फ़ोटो खींचे जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले। सब लोग निकल रहे हैं मंदिर से, आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये पूरा व्यू है, और इसका एकदम बेस्ट, जो बेस्ट क्वालिटी का फ़ोटो है वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला है। सब फ़ोटो, मेरे फ़ोटो, मम्मी के पापा का फ़ोटो, सब मैंने इंस्टाग्राम पर डाला है। इधर स्क्रीन पे आपके पॉपअप होता होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जाके उधर मेरे को फॉलो कर सकते हो आप। फेसबुक आईडी भी है, उधर भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ सही बोलूँ तो उधर मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो है, तो उसको आप वॉच कर सकते हो। और काफ़ी सारे ऐसे मैं जगह विजिट करता हूँ, वहाँ के फ़ोटोज़ डालता हूँ, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो।